नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी की भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सबको इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में, देन आफ्टर लॉटरी मनी आने वाले टाइम, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी एवं हड़बड़ी को, क्विकली एक्शन और डिसीजन ले लेना, जो भी थिंकिंग है उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, इस प्रकार के नेचर को बताता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है। जैसे ही स्ट्रेंजर के प्रति थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट बातचीत के दौरान में, या फिर जेंडर के प्रति शर्मिलापन, और वर्क मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा डिले देखने को इस कारण से मिलता है। अदरवाइज देखा जाए तो लिटिल फिंगर एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी झुकाव नहीं है। तो फैमिली की तरफ आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहने वाला रहेगा, फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइसेस भी लाइफ में ज़्यादा करेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है, तो इस कारण से ये यहाँ पर गुड लीडरशिप क्वालिटी को, गुड टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। इसका कोई नाता कम्युनिकेशन से नहीं है, लेकिन किसी समूह का जैसे आप अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, और थोड़े से ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, दिल पे जल्दी बातों को ले लेना, ऐसी भी गतिविधि देखने को थोड़ी मिलती है। अदरवाइज़ देखा जाए तो फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा शुभ है, क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर को बताता है, लेकिन इसी में थोड़ी आड़ी रेखा भी आपके यहाँ देखने को मिल रही है, जो रिलेशन में ब्रेक एवं अनबन के योगों को भी बताता है। अदरवाइज यहाँ थंब की बात करें तो थंब फ्लेक्सिबल है, समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं अच्छे से, और यहाँ ये यव का चयन है, साइन डेवलप है, तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक भी बहुत अच्छे रहेंगे। जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान व आदान प्रदान अच्छा रहने वाला है। और वहीं फर्स्ट फैलेंज पर भी दो आड़ी रेखाएं मुझे देखने को मिल रही है, जो कि धनवान होने का सूचक होता है। आपके अंदर ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छा है, कोई भी चीज़ आप नई बहुत जल्दी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जितना आप अपने लाइफ में पीसफुल रहेंगे, शांत दिमाग से रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही लाइफ में अच्छी ग्रोथ आप ले पाएंगे, उतना ही अच्छे से आप डिसीजंस भी ले पाएंगे। अदरवाइज़ पाम के साइज़ के विषय में आते हैं, तो आपका जो पाम का साइज़ है वो यहाँ रेक्टेंगुलर है, तो कार्य के प्रति अधिक बोलने की कला देखने को मिलती है। मतलब आप बोलते ज़्यादा हैं, करते थोड़ा कम है, इस प्रकार की नियति। आपके अंदर थिंकिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कोई काम करने के लिए बहुत अच्छा आता है। प्लानिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन एक्शन भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरी थोड़ी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन सत्य हैं ये बातें, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने कमियों को नहीं जानेंगे, तब तक उसमें सुधार कैसे लाएंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सबसे पहले यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो गुरु पर्वत कंपैरेटिवली यहाँ पर अच्छा उभरा हुआ है, और यहाँ जो रेखाएँ हैं वो भी कुल मिलाकर के अच्छी देखने को मिल रही है। जब इस प्रकार से विंडो साइन यहाँ पर बनता है, तो मैरिड लाइफ कंपेरेटिवली अच्छी देखने को मिलती है। शादी के बाद अच्छी उन्नति होती है, लाइफ में प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी और रिस्पेक्ट भी अच्छा मिलेगा, और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको दयालुपन देगी। तो इस कारण से दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना, खुद से जितना हो सकता है हमेशा सहयोग करते रहना दूसरों की, इस प्रकार का नेचर निकल के आता है, और यह डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी यहाँ पर बता रहा है। लाइफ लाइन से भी हल्की हल्की रेखाएं निकली हुई हैं, जो एक प्रकार के जुनूनियत किस्म के नेचर को बताती है, यानी एम्बिशियस नेचर यहाँ पर आपका है। हल्की हल्की शाखाएं यहाँ से शनि के क्षेत्र पर भी जा रही है, तो ये बताता है कि जिस भी फील्ड में आप रहेंगे उसमें डीप एनालिसिस, डीप थिंकिंग आपका रहने वाला रहेगा, और जीवन में अच्छी खासी प्रोग्रेस आप धर्म के रास्ते से भी करने वाले रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपके शनि पर एक स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, जो कि सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस को और प्रॉपर्टी के अच्छे होने के योगों को, और अचानक से भाग्य उन्नति को, या अचानक से धन प्राप्ति के योगों को बताता है, जैसे लॉटरी। शनि के क्षेत्र के बाद सूर्य पर हम आए, तो सूर्य पर आपका गर्डल जो है यहाँ पर एक प्रकार से जालीनुमा आकृति बनी हुई है। इस प्रकार की आकृति बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करती है। जब इस प्रकार की इस प्रकार आकृति बनती है, तो व्यक्ति कन्फ्यूज होने के साथ साथ डिसीजन भी आप कहीं ना कहीं सही से नहीं ले पाते हैं, गलत ले लेते हैं, या फिर जो भी काम करते हैं उसमें ज़्यादा फोकस आपका नहीं रहता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बताता है, सक्सेस को बताता है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी को बताता है, तो कहीं ना कहीं कामों में इतने ज़्यादा उलझे हुए रहेंगे
कि कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होगा, और ऊपर से उसमें से उतार चढ़ाव तकलीफ भी आपको आने वाली रहेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका नेगेटिव है, जो पिता से भी रिलेशन में अनबन मतभेद बताता है और जो भी आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। इसीलिए सूर्य के उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जीवन में क्लियरेंस मिले, सक्सेस अच्छे से मिले, जो आप काम करते हैं उसका क्रेडिट आपको मिले, हाई पोस्ट हाई अथॉरिटी पर जाने के साथ साथ नेम फेम पॉपुलरिटी भी मिल सके। मरकरी माउंट पर भी सेम केस है कि मरकरी माउंट उभरा हुआ अच्छा है, जो कि अच्छे बोलचाल की कला को बताता है, जो मरकरी फिंगर में जो दोष होते हैं उसको ख़त्म करता है, और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर एक प्रकार के सिंपैथेटिक नेचर को बताती है, जिसके कारण आप जैसे लोग दूसरों को हील करने का काम करते हैं, जैसे अपने बातों से प्रभावित कर देना, मधुर भाषी किस्म का नेचर रखना, और किसी डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, लोगों को अट्रैक्ट करना, बांधे रखना। यहाँ पर भी थोड़ी आड़ी रेखा जो बता दी थी कि कभी कभी थोड़ा सा कटु वचन आपके मुंह से निकल जाता है नेगेटिव, या कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो इच्छा नहीं होती बोलने की लेकिन निकल जाता है, तो ये वाणी दोष भी बता रहा है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे योग सूर्य के कारण ही क्रिएट ज़्यादा, और सूर्य जैसे ही सही हुआ आपका आधी प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाएगी। हार्ट लाइन में भी आपके हृदय रेखा पर गोंपुज की आकृति है, यानी फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को ये बताता है, और यहाँ आपकी हृदय रेखा देख पा रहे हो इस प्रकार से चल रही है, फिर एक सहयोगी रेखा इस प्रकार से चल रही है, नीचे की ओर खूब सारी शाखाएं आ रही हैं। ये इमोशंस और फीलिंग्स में बार बार होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम रहेगा, मूड को लेकर के आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, और समय और परिस्थिति के अनुसार भी हमेशा इसमें चेंजेस होते रहेगा। यहाँ से सीधे जाने वाली रेखा कार्य के प्रति अच्छी एकाग्रता को बताती है, ऊपर जाने वाली रेखा एक प्रकार के इमोशनल नेचर को भी व्यक्त करती है, और यहाँ नीचे भी रेखा आ रही है जो एक प्रकार के एग्रेसिव नेचर को भी बताती है कि गुस्से पे कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बनता है तो इरिटेट भी आप जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, यानी मेडिटेशन। यहाँ पर माइंड लाइन पर आते हैं तो माइंड लाइन का फ्लो भी प्रोमिनेंट नहीं है, आपके पढ़ाई में हमेशा कुछ ना कुछ बाधा ज़रूर आई होगी, या फिर पढ़ा लिखा हुआ कुछ काम नहीं आया होगा, या किसी न किसी वे में जो है पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम के साथ साथ सोचने विचारने की क्षमता में भी दिक्कत आती है। नीचे की ओर जाने वाली रेखा काल्पनिकता को व्यक्त करती है, आप एक प्रकार से डी ड्रीमर टाइप के इंसान हैं, यानी इमेजिनेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, हर बात की जैसे जड़ तक जाना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर लेना, इस प्रकार का नेचर है आपके माइंड लाइन में। सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ से रेखा निकल के ऊपर की ओर उठी हुई है, जो एक प्रकार के बिजनेस लक को इंडिकेट करती है, यानी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस और सक्सेस आपको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको जो है कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे एक जो रेखा आ रही है इसके द्वारा आइलैंड बन रहा है और मंगल से भी कनेक्शन है, तो ये बता रहा है कि आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही चेंजेस को लेकर के आते हैं। मेंटली भी आप अभी स्टेबल नहीं हैं, टेंस्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, पीसफुल रहना है, जो कि यव के साइन से ही देखने को मिला था, और खुद को समय देना है, धार्मिक ज़्यादा रहना है, तो ये काम करके आपका इमोशंस भी जो है सही हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग स्किल और मेंटेलिटी भी कुल मिलाकर के ठीक हो जाएगी। इसके पीछे चंद्र का कारण है कि आप मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपको आगे चल के व्यक्त करता हूँ यानी बताता हूँ। इसके अलावा आप लाइफ लाइन में देख पाएँ तो लाइफ लाइन में भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो शुरुआती जीवन आपका बहुत कष्टमय था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ा है, यानी 21, 24, 27, फिर उसके बाद 35, इन सब उम्रों के आसपास में आपकी लाइफ में अचानक से चेंजेस हुए, जिसके कारण लाइफ स्टाइल, रॉयल्टी, इन सब में भी आपके चेंजेस अच्छा देखने को मिल रहा है, और आगे चल करके लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है। बाहर जो है रेखा आपकी जा रही है तो ये विदेश यात्रा का सूचक होता है, वही बर्थ प्लेस से दूर जाकर के रहने, रसने, बसने के योग बनते हैं। अंदर की ओर रेखा भी एक आ रही है तो 35 के एज के बाद से लाइफ बहुत स्मूथ, बेसिकली ये 37, 38 के एज के बाद से, क्योंकि उसके बाद भी एक ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे, तो 38 एज के बाद से आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी और प्रोग्रेस लाइन भी स्टार्ट हुई है, तो सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी फिर आप खुद के मेहनत और खुद के बलबूते से जीवन में अच्छी उन्नति और प्रोग्रेस कर पाएंगे। मरकरी के बाद यहाँ मार्स की बात करें तो मंगल की भी सहयोगी रेखा है, जो एक प्रकार के अच्छे सहयोग को बता रही है, जो आपको दूसरों के द्वारा मिल सकती है, और अगर देखा जाए मंगल की बात करें तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों ठीक है, अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छी विकसित है, तो इस कारण से थोड़ी जल्दबाजी और हड़बड़ी वाला जो सिस्टम है, यानी पेशेंस लेवल कम होता है, लेकिन जुनून, हौसला, सहनशीलता ये आपके अंदर अच्छी है, यानी मेंटली स्ट्रांग यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं।
शुक्र माउंट पर आते हैं तो शुक्र की आड़ी रेखा आपको फैमिली लाइफ से रिलेटेड ट्रबल को इंडिकेट करती है, यानी कहीं ना कहीं आप टेंस्ड रह सकते हैं फैमिली लाइफ को लेकर के, मनी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। तो शुक्र के भी रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। राहु रेखा यहाँ पर इस प्रकार से आड़ी काट रही है तो ये एक प्रकार की भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करती है, जिसके कारण करने कुछ और जाते हैं, कर कुछ और आते हैं और मानसिक जो भ्रम है, चिंता है, वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो आपको 30 से लेकर 35 के एज के अंतराल में ज़्यादा है। केतु मंडल पर विभाजित हुई जीवन रेखा यात्राओं का सुख अच्छा देती है, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर बड़ी बड़ी यात्रा भी सुफलदायक रहेगी। यहाँ से मरकरी लाइन आपकी निकली हुई है शुक्र से, यानी फैमिली से बेनिफिट आपको मिल सकता है और वही मरकरी लाइन और अच्छे से ऊपर जा रही है तो ये बताती है कि व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा प्रोग्रेस और सक्सेस मिल जाने वाला रहेगा। चंद्र की जो मैं बात कर रहा था कि चंद्र में आपकी दिक्कत है, तो देखिए चंद्र पर जब आड़ी रेखा इस प्रकार से ज़्यादा होती है यानी क्रॉस भी होता है तो ये एक प्रकार की बेचैनी को बताती है, एनजाइटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, जल्दी घबराहट, चिंतित हो जाना, डर, भय, चिंता, ये सारे योग जो हैं यहाँ से आते हैं। यही रीज़न है कि मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है या मन बहुत जल्दी घबरा जाता है या फिर इधर उधर भागने वाला रहता है। यहाँ से भाग्य रेखा भी आपके निकल रही है जो बर्थ प्लेस से दूर और सक्सेस के योगों को बताता है, शादी के बाद अच्छी प्रोग्रेस को बताता है, मदर से अच्छे अटैचमेंट को भी बताता है, लेकिन भाग्य रेखा भी यहाँ पर देखें आप कमज़ोर हो, थोड़ी सी जो है यहाँ हो गई है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। 35 एज के बाद से भाग्य रेखा भी अच्छी आपकी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, भ्रम, चिंता, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपके लाइफ में। मनी के योग भी अच्छे हैं क्योंकि मनी ट्रायंगल भी क्रिएट हो रहा है तो इस कारण से जीवन में धन तो बहुत अच्छा आता है, सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस भी आपको होगा क्योंकि यहाँ पर आपके एक प्रकार से स्क्वायर का साइन जो है क्रिएट हुआ है राहु रेखा के ही द्वारा, जो सडनली किसी न किसी वे में अच्छे खासे धन को बताता है। तो लॉटरी के चांसेस भी ब्राइट है और लाइफ में 38 के एज के बाद से अच्छी आपकी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।